हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है कंक्रीट। अब दोस्तों, अगर कंक्रीट का ही टेस्ट ना हो और कंक्रीट ही फेल हो जाए तो हमारा जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा फेल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी साइट पर कंक्रीट आई है तो उसका किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? एक दो नहीं दोस्तों, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको उसी टाइम साइट पर करने होते हैं। उसी में से दोस्तों कुछ टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपका कंक्रीट ठीक से बनकर आया है या फिर नहीं बनकर आया, या तो आपने जो हैंड मिक्स किया है वो ठीक से बना है कि नहीं बना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमारे कंक्रीट पर किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि कोई भी कंक्रीट आपकी साइट पर आती है तो सबसे पहले आपको कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी अगर कंक्रीट बनाई जाती है या फिर आरएमसी से लाई जाती है तो दोस्तों उसका एक टेम्परेचर टेस्ट जरूर होना चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, जब भी हम कोई कंक्रीट डालते हैं तो उसके अंदर जो हीट होती है उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। किसी भी और टेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसका टेम्परेचर टेस्ट करेंगे। उसका टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए दोस्तों आपके पास एक थर्मामीटर होता है, जैसे कि आप लोग वीडियोस में देख पा रहे होंगे, एक थर्मामीटर होता है जिसकी निडल को हमें 3 इंच तक अंदर डाल के रखना होता है और हमें ये पता लगाना होता है कि उसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, मिनिमम रीडिंग कितनी होती है और मैक्सिमम रीडिंग कितनी होती है। दोस्तों, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं तो उसमें 26 सेल्सियस तक उसका मिनिमम होता है और 35 तक उसका मैक्सिमम चला जाता है। अब दोस्तों, एक बात ये आती है कि जब भी हम कोई कंक्रीट धूप में कास्ट कर रहे हैं तो उसका क्या है ना, 35 से ज्यादा चला जाता है। तो ये एक सिंबल है कि ये ज्यादा इस वजह से गया है क्योंकि हीट वहां पर ज्यादा है। एक तो आपका नेचुरल हीट ज्यादा है, दोपहर के टाइम पर अगर आप कोई कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो वहां पर क्या है ना, 1-2 सेल्सियस ऊपर नीचे चला जाता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका कंक्रीट एकदम ठीक है। अगर 35 से 36 चला जाता है, 36.5 चला जाता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका कंक्रीट एकदम ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे टेस्ट के ऊपर। ये आपका टेम्परेचर टेस्ट हो गया, तो इसके बाद जो टेस्ट हम कर सकते हैं वो आपका स्लम कोन टेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये स्लम कोन टेस्ट क्या होता है? स्लम कोन टेस्ट से दोस्तों ये पता चल जाता है कि इसकी वर्केबिलिटी कितनी है, ठीक है? इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक आपके पास स्लम कोन का एक पूरा हमारे पास अपरेटिस चाहिए होगा। तो इसी स्लम कोन में हमें कॉन्क्रीट फिल करनी होगी। ये जो आपका स्लम कोन होता है ये आपका 300 mm का होता है। इस 300 mm के स्लम कोन में हमें क्या करना होता है, 75 75 75 करके इसको 4 पार्ट में हमें कॉन्क्रीट डालना होता है और एक हमें 16 mm की रॉड से इसको टैंप करना होता है, ठीक है? तो हमें इसको 4 लेयर में आपको भरना होगा। 16 mm की रॉड से टैप करने के बाद इसको हमें क्या करना होगा, ऊपर से एकदम फ्लैट सरफेस कर देना होगा, जिससे कि जैसे कि आप लोग सामने देख रहे होंगे। पूरा फ्लैट सरफेस करने के बाद इस स्लम कोन को हमें थोड़ा सा राउंड शेप करके ऊपर उठा लेना है। इसको उठाने के बाद दोस्तों ये पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्क्रीट है ये कितना हमारा वर्केबिलिटी वहां पर शो कर रहा है। जैसे कि एक यहाँ पर आपको चार्ट भी दिख रहा होगा कि अगर कोई भी कोन ऊपर निकालते हैं तो दोस्तों या तो कॉन्क्रीट फैल जाता है या फिर वहां पर सीधा खड़ा रहता है या फिर वो सर्कुलर मोशन में एक तरफ को गिर जाता है। तो इसके तीनों के सिंबल दोस्तों आपको चार्ट में दिख रहे होंगे कि कौन सा जो आपका स्लम है वो पुअर है कि कैसा है। और जैसे ही वो कॉन्क्रीट नीचे गिरता है तो दोस्तों हमें टैंपिंग रॉड से हमें ये चेक करना होता है उसको डिस्टेंस, ये कितना स्लम हुआ है, ठीक है? तो एक टेस्ट दोस्तों ये होता है। फिर आते हैं दोस्तों क्यूब टेस्ट पे। अब दोस्तों क्यूब टेस्ट क्या होता है? क्यूब टेस्ट में दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आने वाली है, ठीक है? जैसे कि हमारे साइट पर कोई भी आरएमसी आती है उसमें से कंक्रीट हमें क्या करना है, क्यूब टेस्ट के लिए निकाल के रखना है। अब एक चार्ट ये भी होता है कि हमें कितनी कंक्रीटिंग के लिए कितना हमें क्यूब टेस्ट करने होते हैं। तो आपको सामने चार्ट दिख भी रहा होगा कि 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर के बीच में हमें सिर्फ एक सैंपल चाहिए। एक सैंपल में आपको 6 क्यूब वहां पर फिल करने होते हैं और उसमें डेट भी डाल देनी होती है कि किस दिन वो आपने वहां पर उस क्यूब को फिल किया है, ठीक है? तो जो क्यूब का साइज होता है वो आपका 150 बाय 150 बाय 150 का होता है, मतलब कि 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm का होता है। इसको भी दोस्तों आपको क्या है ना, 3 बार में भरना होता है। पहले आपको 50 mm की लेयर भरनी होती है, फिर उसमें टैपिंग करनी होती है 16 mm के बाहर से, फिर दोबारा से आपको 50 mm की लेयर फिल करनी होती है, फिर 16 mm की रॉड से टैपिंग करना होता है, फिर दोबारा से आपको तीसरी बार फाइनल लेयर आपको तैयार करनी है जो आपका 150 mm पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है? और ऊपर से पूरा फ्लैट सरफेस कर देना है, जैसे कि आप वीडियोज में भी देख पा रहे हैं। फ्लैट सरफेस करने के बाद दोस्तों इसको एक दिन के लिए छोड़ा जाता है और आप सामने देख रहे होंगे इन नट्स को दोबारा से खोल के निकाल दिया जाता है। और एक बात दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली होती है, जब भी हम कोई क्यूब टेस्ट करते हैं तो इसके चारों साइड में क्या है ना, अच्छे से ऑयलिंग की होनी चाहिए।
आपके बेस पे अच्छे से ऑयलिंग होनी चाहिए और पूरे साइड पे अच्छे से ऑयलिंग होनी चाहिए, तभी जाकर अगर आप क्यूब को निकालते हैं तो अच्छे से वहां पर एकदम प्लेन सरफेस पे वो निकल पाता है। अगर आप मान लीजिए इसमें नहीं लगाएंगे, कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप इसको निकालने बैठेंगे ना, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट वहां पर झड़ जाएगा और हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस पर टेस्ट करने के टाइम पे वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो इस क्यूब में से, इस कॉन्क्रीट के क्यूब को निकालने के बाद, अपने फर्मे में से इसको निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्यूरिंग के लिए रख देंगे। आप सामने देख रहे होंगे ये पूरा एक, जितने भी हमने क्यूब वहाँ पर कास्ट किए थे ये सारे हमने पानी में डाल के छोड़ दिए। ठीक है, तो इसकी क्या है टेस्टिंग आपका 7 से 14 दिन में 21 दिन में 28 दिन में की जाती है। और ये दोस्तों किसके थ्रू की जाती है, ये आपका CTM मशीन के थ्रू की जाती है या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू भी की जा सकती है कि इसमें कितना लोड फाइनल लग सकता है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आई है। ठीक है, तो 7 दिन में 21 दिन में ये इनमें करनी पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी कास्टिंग हो चुकी है तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इसमें हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आई है। अगर मान लीजिए क्यूब फेल हो जाते हैं, ठीक है, 28 दिन बाद आप देखते हैं तो क्यूब फेल हो गए, उसके बाद हम वहां पर साइट पर जाके टेस्ट करेंगे। जैसे आपने कोई भी स्लैब कास्टिंग कर दी है, ठीक है, स्लैब कास्टिंग करने के बाद आपको पता लग रहा है कि यार क्यूब फेल हो गए, तो हम क्या करेंगे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वहीं पर ऑन साइट पर कर सकते हैं। कैसे, इस टेस्ट का नाम होता है दोस्तों रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक, रिबाउंड हैमर टेस्ट का दोस्तों मेन रोल क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज कास्ट कर देते हैं, ठीक है, तब हमें ये पता चल जाता है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आने वाली है। ठीक है, इवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीज बन गई है, जैसे कोई पियर बन गया है या फिर कोई आपका 1 साल पुराना घर है, तो हम वहां पर भी इस चीज को चेक कर सकते हैं, इसका लमसम आइडिया लगा सकते हैं इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई है या फिर और कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस रिबाउंड हैमर टेस्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रिबाउंड हैमर होता है जिसको हम बहुत सी साइट पर ना इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि हम रिबाउंड हैमर टेस्ट को, जैसे यहाँ पर कोई कॉलम खड़ा हुआ है तो हमारा फ्लैट सरफेस पे हम इसको हिट करके देखते हैं और इसमें क्या है ना पूरा स्केल लगा होता है, स्केल से हम उसको मेजर कर लेते हैं कि जो हमारा रिबाउंड हैमर क्या है ना वहाँ पर हिट कर रहा है तो वो क्या रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो उन्हीं रीडिंग को काउंट करके, मतलब कि आपने हैमर से कम या तो 6 बार हिट किया या फिर 15 से 20 बार हिट किया, तो उन रीडिंग्स को हम क्या है लिखते जाते हैं और वहां पर स्केल भी दिया होता है कि कहां कहां पर क्या क्या रीडिंग आई है। ठीक है, सपोज कीजिए 45 रीडिंग आई है, 50 आई है, 32 आई है, तो ऐसे ही 10 रीडिंग को नोट करके हम उसमें से सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू और सबसे कम वैल्यू निकाल देते हैं। उसके बाद जितनी भी वैल्यू बची है, जैसे 10 वैल्यू थी तो उसमें से 2 निकाल दी, तो उसमें से 8 वैल्यू को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू निकल जाती है। मान लीजिए 45 उसकी एवरेज वैल्यू निकल गई, तो आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा कि जब भी हम कोई रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं तो उसमें 45 कोई रीडिंग आती है तो वो हमारी कितनी स्ट्रेंथ पे आ रही है। ठीक है, आपको सामने इसका चार्ट भी दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से अगर 45 आ जाता है तो वो कौन सा हाई कॉन्क्रीट पे माना जाता है, मतलब कि उसकी हाई स्ट्रेंथ है, मतलब कि हाई लेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से रिबाउंड हैमर टेस्ट को यूज किया जाता है। आप किसी भी साइट पर जाकर कोई भी कास्टिंग हो गई है तो वहां पर भी आप इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको टेस्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारे CPL कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसमें QAQC का एक अलग से कोर्स दिया हुआ है जिसमें सारी टेस्टिंग आपको दी गई है कि बिल्डिंग में कितने तरीके की टेस्टिंग होती है और आपका जितने भी हाईवे हैं उसमें कितने तरीके की टेस्टिंग होती है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट जितनी भी हमारी साइट पर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है वो किस तरीके से टेस्ट होती है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे रीइंफोर्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर परचेस भी कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्क्रीट है उस पर किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम ये कम से कम 4 टेस्ट इजीली वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, वर्केबिलिटी कितनी है और भी बहुत कुछ वहाँ पर पता लगा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।